आज हम आयुष्मान भारत योजना के ऊपर आप लोगों से चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 17 सितंबर को देश के लोकनायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। नरेंद्र मोदी जी के हर विचार में, हर विषय में जन कल्याण की योजनाएं, जनता से संबंधित मुद्दे और आम जन की सोच हर वक्त झलकती रहती है, जिस कारण प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पे 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा के कार्य करने की योजना संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इसी कार्यक्रम के तहत जो देश की एक बहुत बड़ी योजना आयुष्मान भारत, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ जो है हो रही है, जिसे भारत का नाम जो है आयुष्मान भारत को लेके पूरे दुनिया के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी की, कि ये योजना जो है भारत के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आती हैं और वो योजनाएं गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये योजना जो है मध्यम वर्ग के लिए भी लाभकारी है बहुत ज्यादा। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम लोग 17 तारीख से 24 तारीख तक आयुष्मान भव सप्ताह की घोषणा करके एक सप्ताह आयुष्मान भारत से संबंधित, इस स्कीम के संबंधित विभिन्न कार्य जो है वो किए जाएंगे, जिससे आम जनमानस को उसका लाभ हो सके। इस कार्यक्रम में कई तरह के प्रोग्राम चलाने की योजना है, जिससे जगह जगह पे आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाने की योजना है, कैंप लगा के कार्ड को बनाया जाएगा। इस कार्ड को बनाने के लिए ऐप के माध्यम से भी, जिसे आम जनमानस अपने एंड्रॉयड फोन में ऐप डाउनलोड करें और खुद तो जो है कार्ड अप्लाई करके अपने कार्ड की लाभुक जो है अपना कार्ड बनवा सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। इसके साथ साथ और बहुत सा ये जो आयुष्मान भावा सेवा पखवाड़ा के महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं जो आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम चाहेंगे कि आम जनमानस तक पहुंचे, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। कार्ड बनवाने का प्रोसेस पहले से आसान किया गया है, जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो। कार्ड बनवाने के इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड से लाभार्थियों के पास वेरिफिकेशन के लिए OTP, प्रिंट, फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे ऑनलाइन जो है अप्लाई करता है ये वेरिफिकेशन करा के अपना कार्ड देख सकता है। रजिस्ट्रेशन घर बैठे स्मार्टफोन से, जैसे मैंने कहा, उससे आप लोग करवा सकते हैं। इसके बाद सरकार की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के बाद आप जो है योजना में रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसको आयुष्मान योजना के लिए पात्रता जांचने के लिए एक 1455 पे कॉल करके भी अपनी पात्रता आम जन मानस जांच सकता है कि वो इसके लिए लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस योजना के तहत 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना इलाज अभी तक करवा चुके हैं। अभी तक 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना से अपना इलाज करा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे बिहार के लोग और खास तौर से पश्चिमी चंपारण के लोग इस लाभ से वंचित ना रहें और वो अपना कार्ड जल्द से जल्द बनवाएं। देश के 27,000 जो हॉस्पिटल हैं इस योजना के तहत पंजीकृत किए गए हैं, जिन अस्पतालों में इस योजना से लाभुक अपना इलाज करवा सकते हैं।
अब तक 24,82,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं विदेश में अभी तक। इस अभियान का उद्देश्य हर गांव, हर मोहल्ले, हर गरीब, हर वंचित, हर समाज के लोगों को इसका लाभ पहुंचे, सरकार ऐसी योजना बना सुनिश्चित कर रही है। इसमें लोगों को मुफ्त में हॉस्पिटल में चेकअप करवाने में सहूलत होगी, किसी को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस कैंपेन के तहत 1,17,000 से ज्यादा हेल्थ एंड अवेयरनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगाने की योजना भी हमारी पार्टी जो है चला रही है कि लगभग 1,17,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर इसका मेला का आयोजन किया जाएगा, उसका भी लाभ जो है आम जनमानस ले सकता है। आयुष्मान भव अभियान के जरिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को घर घर पहुंचाने में जुटी हुई है। आयुष्मान भव का मकसद देश के हर गांव और कस्बे में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और आसानी से पहुंचाना, यह मकसद है सरकार का। यह पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता के मद्देनजर शुरू किया गया है। इस अभियान के को पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का फ्री इलाज किया जाएगा, पात्र लोगों के तुरंत कार्ड बनाए जाएंगे। देश के सभी जिलों के मेडिकल कॉलेज और ब्लॉकों में कैंप लगाए जाएंगे। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका मकसद देश के गांव कस्बों तक सेवाएं प्रदान करनी है। इसी क्रम में जब हम पूरे देश और दुनिया में जब हमारे प्रधानमंत्री की और इस योजना की पीठ थपथपाई जाती है और जब हम अपना ध्यान अपने राज्य में बिहार की तरफ करते हैं तो हम उस हमारा हमारी हाल जो है उस मोर की तरह हो जाती है कि जो बारिश में मोर तो खूब नाचता है लेकिन नाचते नाचते जब उसका वो खुशी में नाचता है बहुत अच्छा बरसात हो रहा है और जब वो अपने पैर की तरफ देखता है तो मोर जो है निराश हो जाता है। इसी तरीके से इस योजना का लाभ पूरे देश के लोग उठा रहे हैं और जब हम अपनी निगाह जो है बिहार की तरफ करते हैं तो यहाँ सरकार की फेलियर और सरकार का सहयोग ना होने के कारण हमारे बिहार के वासी आम जनमानस इसका लाभ उठाने में पीछे हो जा रहे हैं। इसके लिए मैं इसके विषय में भी मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ। पटना में 11% लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बना, जो सबसे कम रफ्तार में जो काम पटना में हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना बिहार में बुरी तरह करा रही है। 2018 में योजना शुरू होने के बाद अब तक राज्य भर में मात्र 13,000 लाभुकों का कार्ड बन पाया है, मात्र 13%, जो बहुत कम है। गोल्डन कार्ड बनाने के मामले में पटना 27वें नंबर पे है। 13% लाभार्थी, 13% बोला ना मैंने, 13% लाभार्थियों का ही कार्ड बन पाया है। गोल्डन कार्ड बनाने के में पटना 27वें नंबर पे है। यह चयनित 29,90,294 लाभुकों में से जो यहाँ पे 29,90,294 लाभुक जो चयनित हुए थे उनमें से 3,39,890 यानी 11.36% लोगों का ही कार्ड पूरे बिहार में बन पाया है। पूरे बिहार का आंकड़ा देखा जाए तो 29,90,294 लाभुकों का कार्ड बनना था लेकिन अब तक 3,39,890 यानी 11.36% लोगों का कार्ड ही बन पाया है अभी तक। वैसे तो लगभग सभी जिलों में रफ्तार धीमी है, फिर भी कार्ड बनाने में रोहतास पहले और मुंगेर दूसरे स्थान पे आता है। जो बिहार सरकार की जो स्थिति है उसमें जो ज़्यादा लोगों के कार्ड बने हैं वो रोहतास और मुंगेर, ये पहले और दूसरे नंबर पे हैं। बिहार में
5,55,62,406 गोल्डन कार्ड बनवाया जाना है। इसमें से बीते लगभग 5 वर्षों में 76,85,552 लोगों का गोल्डन कार्ड, ये पूरे बिहार का आंकड़ा है, जो पूरे बिहार में इतने लोगों का अभी तक बन पाया है, जो बहुत कम है। इस काम को सरकार को हम ये कहेंगे कि बिहार सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। बिहार सरकार को भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भावना से इस काम को कर रहे हैं। उनकी चिंता है कि हर व्यक्ति को इसका लाभ पहुंच सके, क्योंकि यह हर आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है, परेशान रहता है, किसी के पास पैसा है नहीं है। सरकार चाह रही है कि किसी कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रह पाए। इस कारण हम पूरे देश में राष्ट्रव्यापी इस काम को आंदोलन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में आते हैं तो बिल्कुल हम निराश हो जाते हैं। इसके लिए सरकार को भी, बिहार सरकार को भी पहल करनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, आम जनता को लाभ मिले इसके लिए उसको काम कार्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण का लक्ष्य जो है, जो कार्ड बनाने का लक्ष्य था सरकार का, 19,87,505 लोगों का कार्ड जो है पश्चिमी चंपारण में बनना था, लेकिन बड़े शर्म की बात है मात्र 2,48,000 कार्ड ही अभी तक लाभुकों के बन पाए हैं, जो बहुत कम है। इसके लिए बिहार सरकार को भी पहल करनी चाहिए। अगर आम जनमानस, जो जनता है, वो तो बिहार सरकार को भी वोट देकर सरकार चुनी है, बिहार सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन बिहार सरकार इस योजना को विफल करने पे लगी है। तो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्ड ना बने, वो सिर्फ राजनीतिक की भावना से, देश के प्रधानमंत्री की अच्छी सोच है, प्रधानमंत्री जी की योजना बिहार में ना लागू हो सके, बिहार में सफल ना हो सके, इसके लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि जो बिहार के लोगों का, चंपारण में हम बैठे चंपारण के लोगों का, जो 19,87,505 लोगों का कार्ड बनना था, इसमें विलंब क्यों है? सरकार इसका जवाब देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये तो बिहार के नागरिक है, बिहार के निवासी है। इसमें बिहार सरकार का कर्तव्य भी बनता है कि वो अपने तरफ से भी, जैसे हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हो सके, कार्ड बन सके, कैंप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है पूरी तरह इसमें इस मामले को फेल करने में लगी है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, और अगर हमारे बिहार में लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार, बिहार सरकार की नीति जो है सही नहीं है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि आप पत्रकार बाद में हैं, पहले इस राज्य के नागरिक हैं। आपका कोई भाई, भतीजा, यार, दोस्त, सगा संबंधी इस योजना से मोहताज ना रहे, और जो आप लोग अपनी पात्रता चेक कर ले, जो नंबर मैंने बताया उसको, उसका कार्ड बनवाने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम लोग चिंता नहीं करते हैं, और हमारे परिवार से जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, पता नहीं बीमारी किसको हो जाए। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हो सकता है रास्ते में जाते जाते मैं बीमार हो जाऊँ, तो पता नहीं मेरे को इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं है। कम से कम ये कार्ड बना रहेगा तो कोई आपका सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी इलाज से मोहताज नहीं रहेगा, और वो जो है सरकार के इस योजना का लाभ ले सकेगा। और मैं आप सभी बंधुओं का, क्योंकि विषय मेरे पास आज के विषय के सिर्फ आयुष्मान भारत था, मैंने इस पर आप लोगों को बताया, और ये जो डिटेल जो मैंने आपको दिया है, जो हमारी पार्टी कार्य कर रही है, इसका PDF मैं माननीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। आप लोगों को ये पूरी डिटेल जो है आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, जो कुछ आंकड़े आप लोगों ने लिखे होंगे, कुछ नहीं लिख पाए होंगे, तो ये आंकड़े सारे जो है अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप कर देते हैं, इनके व्हाट्सएप से भी आपको वो आंकड़े मिल जाएंगे। और मैं आप सभी बंधुओं का प्रेस वार्ता में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ।